आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम से टीवी सीरियल बनाकर लोकप्रिय हुई एकता कपूर इन दिनों अपनी एक वेब सीरीज के कारण काफी विवादों में घिरी हुई है। इस वेब सीरीज में कथित रूप से एकता कपूर ने सैनिकों की पत्नियों के चरित्र पर कीचड़ उछालने का निंदनीय काम किया है और इसी कारण देश भर में एकता कपूर के खिलाफ सैनिक एवं पुलिस परिवारों के साथ ही आम जनता व राष्ट्रवादी संगठन भी विरोध कर रहे हैं। आज इंदौर के सांवेर थाने में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा एकता कपूर द्वारा वेब सीरीज के माध्यम से सैनिक परिवारों की महिलाओं उनकी पत्नियों के खिलाफ कीचड़ उछालने व गलत टिप्पणी के विरोध में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में एकता कपूर के खिलाफ साइबर एक्ट व मानहानि के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष शुभम ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार से एकता कपूर को दिए गए पद्मश्री अवार्ड को वापस लेने की मांग भी की गई है। आज ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से संत छोटू जी महाराज, इंदौर संभाग उपाध्यक्ष पंडित राजकुमार शर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष शुभम ठाकुर, भूपेंद्र जोशी एवं रिंकू ठाकुर उपस्थित थे। भारत हिंदू महासभा द्वारा आज सांवेर थाने में फिल्म अभिनेत्री निर्माता एकता कपूर द्वारा जो वेब सीरीज भारतीय सैनिकों की पत्नियों के चरित्र को लेकर जो गलत मूवी बनाई गई है उसे लेकर आज हमने सांवेर थाना में प्रभारी जी को ज्ञापन दिया है और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कहा गया है। अगर एकता कपूर पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र प्रदर्शन हिंदू महासभा द्वारा किया जाएगा। और पूर्व में उन्हें दिया गया पद्मश्री अवार्ड एकता कपूर से वापस लेने की मांग की गई है। जय सियाराम। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आज एकता कपूर जिसने वेब सीरीज के माध्यम से हमारे देश की आर्मी की पत्नियों के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, जो असत्य उन्हें कहे हैं, उसके लिए आज पूरा देश बहुत दुखी है और हिंदू महासभा यहाँ पर सांवेर थाने पर ज्ञापन देकर यह चेतावनी दे रहा है कि सभी लोगों से निवेदन है कि एकता कपूर से पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई एकता कपूर के द्वारा फिल्म की जाए। फिल्म नहीं, और फिल्म के रोल से भी उसे बाहर कर दिया जाए। जय सियाराम। यहाँ पर शुभम ठाकुर, इंदौर जिला अध्यक्ष, संत छोटू जी महाराज और रिंकू जी ठाकुर एवं भूपेंद्र पंडित जी द्वारा ज्ञापन दिया गया।